अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अर्शद तहसीन। आप देख रहे हैं गल्फ पाकिस्तान, हॉट टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन का ऐलान कर दिया और आज इस मौजू पे बात करने के लिए मेरे स्टूडियो में मौजूद हैं, मेरे लेफ्ट साइड पे मौजूद हैं साजिद अली साजिद और मेरे राइट साइड पे मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन डॉक्टर नबीहा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूं। अच्छा डॉक्टर नबीहा, पहले मैं आपकी तरफ चलूंगी कि सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन का ऐलान कर दिया तो इस बारे में क्या कहेंगी? देखिए, सदर पाकिस्तान ने तो ऐलान कर दिया, जब इलेक्शन कमीशन कोई स्टेप नहीं लेता तो फिर सदर पाकिस्तान ने जो है वो इसको बेहतर समझा कि वो इलेक्शन का जो है वो ऐलान कर दें। थोड़ा सा हमारे यहाँ पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जैसे सदर हमारे जो है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ से हैं, लेकिन वो पहली बात ये कि वो पाकिस्तान के सदर हैं, उन्हें पाकिस्तान की सालमियत और अमन अमान पर बात करनी है, उन्होंने पाकिस्तान के लिए जो बेहतरी है उस पर बात करनी है। इलेक्शन कमीशन ये आइन है, आइन पाकिस्तान है कि 90 दिन जब असम्बलियाँ टूट जाती हैं तो 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन ने जो है वो अपने इलेक्शन करवाने हैं, डेट देनी है। इलेक्शन कमीशन इस पर जो है वो क्यों हर धर्मी का रुझान उन्होंने बनाकर बैठे हुए हैं, क्यों मामला खराब कर रहे हैं, क्या कोई डर क्या खौफ है दूसरे लोगों को कि हम शायद जीत नहीं पाएंगे या क्या मसाइल है, उस पर जो है ये इनिशिएटिव लिया हमारे सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब ने। तो कुछ लोग तो इसको जो है वो कह रहे हैं कि ये आइन के खिलाफ वर्जी है, सदर साहब ऐसा नहीं कर सकते। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं जी, बड़ा सही जो है वो हुआ क्योंकि पाकिस्तान के लिए आगे चलने के लिए ये बहुत बेहतरीन है। अच्छा, मेरी अगर आप बात करें तो मैं इसमें एक चीज़ जो है वो यहाँ पे आपको क्लियर करती चलूँ कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए और अदालत को चाहिए, अदालत ने तो जो है वो इलेक्शन कमीशन को कह दिया ये एक तरह से जो है वो कानूनी खिलाफ वर्जी भी है जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है। इस पर डेट मुशावरत चल रही है, सदर पाकिस्तान ने जो है वो इलेक्शन कमीशन को पहले दावत दी है कि आप आकर एक टेबल पर बैठें मुशावरत से जो है वो ये करें, वो भी नहीं हुआ, उस वो चीज़ें भी जो बनी हुई इसके पीछे बहुत बड़ी रीज़न है। तो फिर अगर ये भी नहीं हो रहा, वो भी नहीं हो रहा, तो फिर सदर पाकिस्तान को कोई ना कोई इनिशिएटिव तो पाकिस्तान के लिए लेना पड़ेगा ना। तो अगर जो लोग इसको आइन के खिलाफ वर्जी करार दे रहे हैं वो ये भी तो देखें कि आइन के खिलाफ वर्जी दूसरी तरफ भी तो हो रही है, इलेक्शन कमीशन भी तो आइन के खिलाफ वर्जी कर रहा है और करता हुआ नजर आ रहा है। तो फिर इस हवाले से जो है वो हमारे जो सीनियर एनालिस्ट हैं, मैं तो बहुत नाचीज सी बंदी हूँ, मेरे पास तो इतना नहीं मैं समझती अपने आप को, लेकिन जो हमारे सीनियर एनालिस्ट हैं उनकी जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे बड़ी अजीब सी बात लगी। बाकी मेरी तरफ से जो है वो यही मौकफ है, आगे अल्लाह खैर करे। अच्छा साजिद अली साहब, आपकी तरफ चलते हैं कि आप क्या समझते हैं कि सदर पाकिस्तान का ये फैसला दुरुस्त है? देखें, दुरुस्त होना या ना होना ये तो एक अलग बहस है, इस बहस में तो एक और व्लॉग में हम तذکرہ कर सकते हैं, लेकिन सदर मुमलकत ने जो इस वक्त आइन अपने आइन को कामयाब रखने के लिए जिस शिक का इस्तेमाल किया है और जिस शिक के तहत उन्होंने ये ऐलान किया है कि 19 अप्रैल को जो है वो इंतखाबात करवाए जाएं, वो इलेक्शन एक्ट जो है 2017 में जो इलेक्शन एक्ट बना था उसकी सेक्शन 57(1) के तहत जो है ना उन्होंने ये नोटिस जारी किया है और उन्होंने ये 2017 में इलेक्शन एक्ट बना था जिसको असेंबली ने ना सिर्फ मंजूर किया था बल्कि इसको इंडोर्स भी किया गया था। ये हमारे जो अमान बाला है जिसे सेनेट कहा जाता है वहां से भी ये अप्रूव हो चुका है। तो इसकी जो शिक है 57(1) उसके तहत सदर पाकिस्तान ने इसका ऐलान किया है और अब 57(2) के तहत इलेक्शन कमीशन पर यह लागू है और लाजम है कि वो इलेक्शन के इनकाद के लिए अपनी जो है ना हिकमत अमली अब तरतीब दे। अच्छा सर, इलेक्शन कमीशन पे तो पहले भी लागू था कि 90 डेज में असेंबलियां टूटने के बाद इलेक्शन करवाए, लेकिन तब भी उसने उनके कान पर जू नहीं रेंगी, तो अब सदर पाकिस्तान के इस हुक्म के बाद उनका क्या रिएक्शन होगा? देखें, इस सिलसिले में पाकिस्तान के वकला जो है, जो वो थिंक टैंक्स हैं जो पाकिस्तान के जो आइन को और कानून को बड़ी बारीक बीनी से समझते हैं, वो लोग मुख्तलिफ आरा में बटे हुए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सदर पाकिस्तान ने ये अच्छा काम नहीं किया है, जबकि अभी मैं कुछ देर कबल मेरी बातचीत हो रही थी तो कमर जमान कायरा साहब ने ये बयान देते हुए कहा है कि सदर साहब ने आइन शिकनी की है और उन पर Article 6 लागू होगा, और यही बात जो है मरियम औरंगजेब साहिबा ने भी की है। और उससे पहले अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो आज ही के दिन में राणा सनाउल्ला साहब ने भी ये कहा है कि अगर आइन से खिलवाड़ करेंगे तो सदर मुमलकत को हम निमट लेंगे, वो अपने इस आइनी ओहदे का गलत इस्तेमाल ना करें। और मुख्तलिफ जो हमारे जो मुक्तदर हलके हैं वहां भी मुतजाद राय पाई जाती है, इसीलिए सदर मुमलकत ने जो सबसे पहला वर्ड इस्तेमाल किया है कि दोनों दफातर जो हैं वो गवर्नर साहब का ऑफिस और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, पहले आप का खेल खेल रहे हैं, तो कभी वो बॉल उस कोर्ट में डाल देते हैं, कभी वो बॉल उस कोर्ट में डाल देते हैं,
तो इस तरह बॉल जो है ना मुख्तलिफ कोर्ट्स में जा रही है जबकि हकीकत की तरफ नहीं जाते। अगर हम आइन की तरफ चलें तो आइन में 61 दिन दिए जाते हैं इलेक्शन की कंपेन वगैरह और इलेक्शन के बाकी चीज़ों को जो है ना लाजम मंजूम करने के लिए, तो 61 दिन से तो बहुत कम दिन रह गए। तो आप देखें कि सदर पाकिस्तान ने अपना आइनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए 9 अप्रैल को इलेक्शन का ऐलान कर दिया है। अब देखते हैं कि इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक हंगामी मीटिंग तलब कर ली है कल, जो कि इलेक्शन कमीशन के लोगों ने पहले हाँ में जवाब दिया था क्योंकि सदर मुमलकत ने उनको मुशावरत के लिए तलब किया था, तो उन्होंने पहले हाँ में जवाब दिया, बाद में उन्होंने ना में जवाब दे दिया। तो अब ये चीज़ें जो है ना उन्होंने एक बल्कि खत में ये भी तذکرہ किया कि सदर मुमलकत एक आइनी इदारा है और सदर मुमलकत जो है वो सुप्रीम कमांडर ऑफ पाकिस्तान है, लेकिन उन्होंने जो हमारे इदारे के लिए वर्ड्स चूज किए हैं वो बहुत नाजेबा किस्म के वर्ड्स हैं। तो नाजेबा किस्म के वर्ड्स तो तभी बोले जाते हैं जब वो आप अपने आइन पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते, तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, इस वजह से सदर मुमलकत ने खुद इनिशिएटिव लिया और बहुत से वकला की ये राय है, चूंकि आज मीटिंग थी तो मीटिंग जो है ना कैंसिल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने की, तो अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर ये मीटिंग कैंसिल करता है तो फिर इसका मतलब ये है कि ये मीटिंग हुई तसव्वुर की जाएगी और इसके बाद फिर सदर मुमलकत को फैसला लेने का इख्तियार है और उन्होंने फैसला लेते हुए 9 अप्रैल को इंतखाबात का ऐलान कर दिया। सर यहाँ पे पूछना चाहूंगी कि ये बाकी पार्टीज इलेक्शन से इतनी खाफ क्यों है? देखिए आप देख रही हैं कि आजकल पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी फिजा सरगर्म है जिन्हें ऑडियो और वीडियो लीक्स कहा जा रहा है। तो ऑडियो और वीडियो लीक्स जो भी वो तो कोशिश ये करते हैं कि किसी तरीके से ये ऑडियो और वीडियो लीक्स जो है ना वो करके हम इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है उसको कम कर सके, लेकिन इसके बावजूद ऐसा हो रहा है कि आए दिन जो आने वाला दिन है वो इमरान खान की पॉपुलैरिटी में ना सिर्फ इजाफा करता जा रहा है बल्कि उसको पॉपुलैरिटी की उन बुलंदियों तक पहुंचा रहा है कि पाकिस्तान में आज तक किसी लीडर को भी इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली है। अच्छा यही क्वेश्चन आपकी तरफ लेके आऊंगी डॉक्टर नबीहा के, बाकी पार्टीज इलेक्शन से इतनी खाइफ क्यों है? देखिए इलेक्शन का एक पूरा प्रोसीजर होता है, अवाम के वोट होते हैं, अवाम की पूरी नुमाइंदगी होती है। इलेक्शन क्यों लड़ा जाता है? इसलिए लड़ा जाता है ताकि अवाम जिनको सपोर्ट करती है वो आए और अपना काम करें। ये सारी पार्टियां अपनी अपनी जगह पर अवामी पार्टियां हैं, अवाम ही इनको सिलेक्ट करती है, लेकर आते हैं। जा रहे हम जमहूरी मुल्क में रहते हैं तो अवाम की राय तो मोतबर है हमारे लिए। और ये जो इस वक्त में प्रोसीजर चल रहा है ना, इसमें असल में खान साहब की मकबूलियत बहुत ज्यादा है। सच मानने में कोई इनकार नहीं है, मैं कोई खान साहब की तरफदार नहीं हूँ यहाँ पर, लेकिन क्योंकि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और मैं इन सब चीज़ों को देख रही हूँ तो हमें भी जराए बताते हैं, हमारी भी नज़र है हर चीज़ पर, कि जो पब्लिसिटी इस टाइम इमरान खान के पास है, जो अवामी ताकत इस टाइम इमरान खान के पास है, शायद उससे जो है वो बहुत सारे लोग डरे हुए हैं। इसमें एज अ मारे नफ्सियात इसको हम फोबिया कहते हैं। अच्छा फोबिया कहते हैं। हाँ बिल्कुल, ये फोबिया जो है ये सियासतदानों के अंदर रच बस किया है और इस फोबिया को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसी फोबिया को नज़रअंदाज अगर हम करेंगे तो फिर हम ये भूल जाएंगे कि सियासतदान क्या कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है वो जिसके कहने पे भी ये किया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन ने आइन के मुताबिक चलना है ना कि किसी सियासी पार्टी के मुताबिक चलना। लेकिन इलेक्शन कमीशन का रिएक्शन तो लग रहा है कि वो भी पार्टीबाजी कर रहे हैं, इसलिए वो इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं कर रहे थे। देखिए पार्टीबाजी तो इस टाइम, देखिए आपने पाकिस्तान की बात करनी है, पाकिस्तान के आइन की बात करनी है, तो आपने जैसे सर ने कहा कि 61 डेज में जो है वो डेट अनाउंस हो जानी चाहिए, बिल्कुल हो जानी चाहिए। 90 दिन का टाइम दिया इसीलिए दिया है कि आप प्रॉपर तरीके से जो है वो काम कर सकें। अगर जी डेट आपको जो है वो नहीं समझ आ रही, आप कोई भी डेट रख के जो है वो इसको फाइनल करें। फाइनल तो इलेक्शन कमीशन को एंड टू एंड करना ही है। अभी इलेक्शन कमीशन बाबा सुख जरा मुझे बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन बहुत जल्दी जो है वो डेट देने वाला है इलेक्शन की। अभी मैं आपको खुशखबरी दे दूं आपके प्रोग्राम में, क्योंकि अब इलेक्शन कमीशन के पास कोई चारा रह नहीं गया है। अब चाहे कोई पीडीएम हो के मामलात हो, कोई नून लीग हो, कोई तहरीक इंसाफ हो, या कोई जो है वो पीपल्स पार्टी हो, कोई कुछ नहीं कर सकता। इलेक्शन होंगे और भारी मैंडेट से जो भी जमात आती है जिसको अवाम सपोर्ट करती है वो आएंगे और इलेक्शन लड़ेंगे। बहुत सारे लोग ये कहते हैं इलेक्शन नहीं होंगे, तो इलेक्शन अगर नहीं भी होंगे तो भी जो अक्सरियत रखती है लोग वो किसी ना किसी तरीके से जो है वो अपने पार्लियामेंट में अपनी सीटें जो है वो जमाएंगे, लेकिन आइन के मुताबिक चलेंगे, आइन के खिलाफ वर्जी करेंगे तो फिर मामला खराब होंगे। अच्छा सर आपकी तरफ आऊंगी कि किस पार्टी को ज्यादा मकबूलियत हासिल है और जिसकी वजह से बाकी पार्टीज जो है ना वो खाइफ हो गई हैं और इलेक्शन से डरना शुरू हो गई हैं, और डॉक्टर नबीहा ने कहा कि इलेक्शन की डेट जल्द अनाउंस कर दी जाएगी, तो इस बारे में क्या कहेंगे? देखें अगर हम जमीनी हालात की तरफ जाएं, जमीनी हालात तो इस वक्त पीटीआई के हक में बिल्कुल मुवाफिक हैं, ना सिर्फ मुवाफिक हैं बल्कि बहुत से सर्वेज हो चुके हैं, ना सिर्फ पाकिस्तानी सर्वे हुए हैं बल्कि गैर ममालिक की एजेंसीज हैं, बहुत सी एजेंसीज ने सर्वे करवाए हैं और उनमें जो चीज़ देखने में आई है इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी है वो 80% प्लस हो गई है इस वक्त।
तो दूसरी तरफ अगर हम जाते हैं तो ये देखते हैं कि हमारे यहाँ आईन की खिलाफ वर्जी तो हो रही है, और ये जो जो कुछ भी आपको नजर आ रहा है, ये बंद कमरों के जो इजलास हैं, बंद कमरों के जो फैसले हैं, उनमें ये चीजें तय की जा रही हैं, लेकिन जब ये चीज इम्प्लीमेंट करने के लिए वो लोग इदारे आते हैं या जो हमारे बहुत से महकमा जाते हैं वो इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आते हैं, तो वो ये उनमें से कोई भी शख्स, कोई भी इदारा अपनी खुद की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। क्यों? वो दूसरे के ऊपर रख के इसलिए कर रहा है कि कल कलां को खुदा ना खास्ता अगर RT6 का इतलाक होता है तो वो फिर वो बच जाए, कम से कम दूसरे की तरफ चले जाए। इसीलिए बॉल कभी उस कोर्ट में फेंक दी जाती है, कभी उस कोर्ट में फेंक दी जाती है, और कभी उस कोर्ट में फेंक दी जाती है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है और जो अवाम की एक राय है, उस राय के मुताबिक पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला सिर्फ और सिर्फ अदलिया, पाकिस्तान की जो अदलिया है, मुक्तदर अदलिया है, उसके हाथ में है, और वो देखते हैं कि पाकिस्तान के इस जो इनिशिएटिव है इसके बारे में क्या करना चाहती है। जी बहुत शुक्रिया साजिद अली साजिद साहब आपका और डॉक्टर नबिया आपका, और प्रोग्राम को वाइंड अप करती हूँ। जी तो नाज़िम, उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब गल्फ पाकिस्तान।